सबको उनकी बदतमीजी का, मैं किसी को यहाँ उनकी बदतमीजी का जवाब नहीं देने आई हूँ, ठीक है? या जिन्होंने भी हेट दिया उनके हेट का जवाब नहीं देने आई, मैं जस्ट अपना पॉइंट क्लियर करने आई हूँ, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टोरी में बोला कि जहाँ मुझे और शहीर को का नाम लिया गया, लाइक शाह हफ्सा का नाम लिया गया, इट्स नॉट अबाउट ओनली शहीर, इट्स ऑल्सो अबाउट मी, तो मैं वो चीज़ क्लियर ज़रूर करूँगी, ठीक है? तो पहली बात तो ये कि उनसे पूछा गया था कि शाह हफ्सा और आपके बीच में कोई लड़ाई है, सही है? ये सवाल मुझसे भी पूछा गया, ये सवाल शहीर से भी पूछा गया, ये सवाल हुसैन से भी पूछे गए हैं, सबसे पूछे गए, माँ से भी पूछे गए कि आपकी और रबीका की लड़ाई है, सबसे सवाल पूछे गए, ठीक है? जवाब सबके पास है, जवाब सब दे सकते हैं, सबको सब पता है, जो हमारी प्राइवेट लाइफ में चल रहा है ना, हम लोग सिर्फ उसको पब्लिकली लाना नहीं चाह रहे, ठीक है? और नहीं, ना ही हमें लाना है, क्योंकि यार कब कल को हम लोग हमेशा लड़के नहीं रह सकते, ठीक है? हमेशा हमारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेंगी, कभी ना कभी तो क्लियर होंगी ना यार, कभी ना कभी तो बात होगी हमारी, हम लोगों की देखो दो दोस्तों में जब लड़ाई होती है ना, तो लड़ाई इतने ज़्यादा काउंट नहीं करती, काउंट करती है जो मेमोरीज होती है, वो दो दोस्त अगली बार कहीं भी किसी भी जगह मिलते हैं ना यार, उनके बीच में सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन मसला ये है कि जो मेरे ऊपर बातें की गई, ठीक है, कि सबसे पहले तो कि मैं और हुसैन चुप हैं, ये बात बोली गई। अगर चुप हैं तो हम भी चुप हैं, हमने तो इवन क्वेश्चन आंसर्स वाला सेगमेंट ही नहीं किया था, हमने तो इवन किसी स्टोरी पे कहीं भी ये चीज़ नहीं दिखाई थी कि इसने इसकी लड़ाई, इसने इसकी लड़ाई, इसने, हमने नहीं की, चुप हम हैं, ठीक है, बर्दाश्त हम कर रहे हैं, ठीक है, हमने किसी को कुछ नहीं बोला। उसके बाद भी हम ये सुने कि भाई हम लोग बुरा कर रहे हैं, तो वेयर वी आर डूइंग द बुरा, दैट थिंग कि हम लोग कहाँ बुरा कर रहे हैं। टूर के बाद इतनी बार वो भी लाइव आई, मैं भी आई, ठीक है, ना मैंने रविका की कोई बुराई करी, ना उन्होंने मेरी करी, सिंपल सब सॉर्टेड था, अंटिल एंड अनलेस शी केम लाइव विद अदर पीपल एंड उन्होंने टॉन्ट मारे, टॉन्ट, ठीक है। आवाम भी पागल नहीं है, मैं भी पागल नहीं हूँ, है ना, ये चीज़ हो, हमने इग्नोर किया, हमने बोला यार कोई बात नहीं, हमारी बहनों की तरह है, मेरी बहनों की तरह है, ठीक है, हमने बोला, शहीद ने बोला कोई बात नहीं, हम नहीं बोलते कुछ किसी को भी, अनटिल एंड अनलेस उन्होंने डायरेक्टली हमारा नाम नहीं लिया था, ठीक है। और डायरेक्टली अगर उनको ये बात, मेरी तो उनसे कोई लड़ाई नहीं थी ना, ठीक है, उन्होंने वो कितनी बार आई, उन्होंने लाइव में आके टूर के बाद टीवीएस दिया कि अफसा तो बहुत क्यूट है, अफसा बहुत ये है, एग्जैक्टली सेम मैंने ये बोला, रबीका बहुत अच्छी है, नो लड़ाई। देन अगेन शी केम लाइव आफ्टर शहीर ब्लॉक्ड हर एंड शी सेड के किसी ने उनसे शायद पूछा कि टीवीएस वगैरह दें, तो उन्होंने बोला मैं यहाँ फेक टीवीएस नहीं देने, व्हाट वाज दैट, आपकी और शहीद की अलग बॉन्डिंग थी, मेरी आपकी अलग बॉन्डिंग थी ना। खैर, नाम मेरा लिया गया, मेरी कोई बीच ही नहीं थी इन सब चीजों, मैंने किसी को कुछ बोला नहीं, ना ही किसी को कुछ कहा, ना ही कुछ किया, ना ही जो है कि इसने मुझे ये बोला, नहीं, मैंने तो किसी को कुछ कहा ही नहीं भाई। ऊपर से शाह हफ्सा को घुसेड़ दिया बीच में कि मतलब इन लोगों ने बहुत बुरा करा और अभी तक कर रहे हैं, तो सिर्फ इतना मैं कहना चाहूंगी कि हमने कहाँ बुरा किया, हमने कहाँ किसी को कुछ कहा। रबी सिंह के लिए, रबीका हुसैन के लिए हमेशा मेरे दिल से एक अल्फाज निकलता है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनकी दोस्ती को हमेशा सलामत रखे। हुसैन मेरे भाइयों की तरह है, रबीका मेरी छोटी बहनों की तरह थी, मैंने तो कभी किसी को बोला ही नहीं कुछ, ना मेरी माँ से लड़ाई, ना मेरी रबीका से लड़ाई, ना मेरी हुसैन से लड़ाई, फिर भी हफ्सा तो बहुत बुरी है,
क्यों भाई, मतलब जब अगर आपके ऊपर बात हो रही है तो मतलब आप सवाल भी उन्हीं का जवाब दे रही हो, और फिर आपके फैंस बोलते हैं हमारी आपी तो चुप है। ठीक है, अब फैन पेजेस की बात करते हैं। मुझे नहीं पता, चुप हो जा, अभी लाइव आई हूँ। तो सिंपल मैं ये बोलूँगी भाई, मुझे कंट्रोवर्सीज नहीं पसंद, मुझे लड़ाई झगड़े नहीं पसंद। मेरी पहले भी बहुत सारे लोगों ने मुझे कंट्रोवर्सीज में डालने की वो करी। ठीक है, स्टॉप ये मैं एक्सप्लेनेशन टू पीपल, बाबा कोई नहीं समझेगा, इग्नोर इग्नोर, सबको मसाला चाहिए। हाँ, सबको मसाला चाहिए। एंड लाली, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग माई पॉइंट कि जहाँ मुझे डाला गया कि हफ्सा शाहफ्सा ने बुरा किया हमारे साथ, हमने किसी के साथ कोई बुरा नहीं करा और ना ही कर सकते हैं, क्योंकि यू गाइज वर आवर फ्रेंड। हमने आपको दिल से दोस्त माना था, मैंने हमेशा हर किसी को दिल से दोस्त मानती हूँ। मैं कभी किसी की, ये मेरे सारे जो है दोस्त जो है ना, सारे लारे आमना जितने मेरे दोस्त हैं, मैं कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलती, मैं नहीं बोलती। मेरी दुआ से जो भी लड़ाई हुई, जो मैंने उसके बारे में भी कभी कुछ नहीं बोला, बल्कि मेरे फैन पेजेस ने भी नहीं बोला। लेकिन आपके फैन पेजेस मुझे आके बोल रहे हैं 19 साल की चूची और जाहिल सब चीज़ें। ठीक है, उसमें मेरी एक फैन पेज है मानिया, उसने रात में पूरे दिन के सारी हरकतें आपके फैन पेजेस के बाद, रात में मेरी फैन पेज ने आपको जब जाहिल बोला तो आपके फैन पेजेस ने वो स्क्रीनशॉट हर जगह फैला दिया। सही है, हर जगह। आई एम क्लियरिंग माई फैन पेजेस कि मेरे फैन पेजेस तब तक चुप थे जब तक उनकी आइडल को जाहिल नहीं बोला गया। और उसके बाद बोला जाता है रबी का फैन तो चुप है। कहाँ चुप है भाई, We were not putting hate to anyone, anyone. सही है। हाँ लाली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम लोग दोस्त हैं। ठीक है, इन द एंड वी ऑल आर फ्रेंड्स, सब दोस्त हैं, किसी की कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ अपना पॉइंट क्लियर करूँगी कि जहाँ बोला गया कि हम लोग बुरे हैं, तो आई एम रियली सॉरी अगर हमने आपके साथ कोई बुरा किया है। रियली सॉरी, मैं लाइव आके सॉरी बोल रही हूँ। ठीक है, आई एम रियली सॉरी अगर हमने आपके साथ बुरा किया, आपका दिल दुखा। ठीक है, अगर किया, सही है, दिल दुखा आपका, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है, आई एम जस्ट क्लियरिंग माई फैन पेजेस फ्रॉम दिस साइड। अब मेरे फैन पेजेस में से कोई भी किसी को कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, और रही बात मेरे फसादन होने की, रही बात रबिका के फसादन होने की, रही बात दोस्तियां तोड़वाने की, भाई कभी भी कोई किसी की दोस्ती नहीं तोड़वा सकता। आप लोग बस अपनी माइंड से ना ये सब चीज़ें निकाल दें, किसी को भी हेट देना छोड़ दें। पहली बात तो ये, रबी का झूठी है, किसी को हेट मत दो। सही है, आप जैसे हुसैन ने बोला अपनी लाइव में कि हम लोगों को अगर कोई सड़क पे चलता हुआ कोई एक इंसान गाली दे दे तो हम लोगों से वो बर्दाश्त नहीं होता। सोचो आप लोग इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके हम लोगों को बोल रहे हो, तो हम लोगों से कैसे बर्दाश्त होगा, चाहे वो मैं हूँ, रबी का है, माज है, हुसैन है, शहीद है, कोई भी है। ठीक है भाई, तो मैं अपने फैन पेजेस को सिर्फ इतना बोलूँगी, मेरे फैन पेजेस किसी को कोई हेट ना दें, या फैन पेजेस छोड़ो, मेरे जो फैंस हैं वो अगर मुझे सच्चे दिल से मेरे फैंस हैं ना, तो प्लीज़ रबीका को कुछ बोलना, हुसैन को कुछ बोलना, मास को कुछ बोलना और शहीर को कुछ बोलना बंद करें। ठीक है, सही है, कोई भी लड़की आके किसी की दोस्तियां नहीं तोड़वा सकती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हमारी दोस्तियां हैं पर्सनली, ठीक है, तो हम अब जैसे सपोज मेरी रबीका की पर्सनली दोस्ती है, मैं उसको कॉल कर रही हूँ, तो मैं लाइव आके कॉल थोड़ी करूँगी कि यार हेलो, हाँ रबीका, मैं लाइव पे तुम्हें कॉल कर रही हूँ ताकि लोग देखें कि मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। दिस इज द सेम पॉइंट, अगर हम लोग हुसैन की बर्थडे में नहीं थे तो वो कुछ और रीजंस हैं। सही है, वो कुछ और रीजंस हैं, लेकिन हम लोग हुसैन के साथ थे। शहीद ने हुसैन को कॉल पे विश करा, शहीद बोल चुके, हुसैन ने भी ये बात क्लियर आउट की, हुसैन ने भी शहीद को बर्थडे पे विश करा किया, आई एम सॉरी किया। ठीक है, तो वो पब्लिकली आके या कॉल करते हुए अपनी स्टोरियां नहीं बनाएंगे कि यार सबको पता तो चले एटलीस्ट हमने कॉल की है। ठीक है, ना शहीद की कोई गलती,
ना मासी की गलती, ना हुसैन की, ना रबीका की, ना मेरी, किसी की गलती नहीं है। अगर किसी का दिल दुखा है मेरी साइड से, ठीक है, जैसा बोला गया कि शाह हफ्सा ने दिल दुखाए हैं, तो अगर मेरी साइड से किसी का दिल दुखा गया तो उसके लिए आई एम सॉरी।